सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर लोड यानी रेजिस्टिव लोड। इसमें हम सिंगल फेज यानी कि सिंगल फेज जाएगा और हाफ वेव सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करेंगे। रेक्टिफायर है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और लोड पे रेजिस्टर लगा हुआ है। यह सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर लोड। इसमें जो हमारी सोर्स वोल्टेज होती है, ये हमारी सोर्स वोल्टेज है जहाँ से हम एसी सप्लाई करते हैं। ये कनेक्टेड होती है हमारे प्राइमरी वाइंडिंग से। ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है, प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्टेड होती है और अनदर साइड होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये Vs जो कि Vs साइन ओमेगा टी के इक्वल होता है। अपर पोलैरिटी पॉजिटिव होती है, लोअर पोलैरिटी नेगेटिव होती है और एक डायोड इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होती है Vd डायोड वोल्टेज और आउटपुट पे लगा होता है लोड। लोड यानी कि आर लोड, रजिस्टर लोड जिसपे हम आउटपुट प्रोड्यूस होती है। वैसे तो ये टॉपिक हम कर चुके हैं लेकिन इसमें हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। ये एक मॉडिफाइड है टॉपिक। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं एसी की फॉर्म में जो होती है, जब इनपुट से पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है, जब हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से एसी जीरो से पाई तक, जब यहाँ से एसी जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल जब जाएगी तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा जो कि होगा सोर्स करंट। सोर्स करंट जो कि जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग से, प्राइमरी वाइंडिंग से ये जाएगा जो कपल्ड है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, ये जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग से। सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो भी हमारा वोल्टेज होगी वो वी एस यानी सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, वी एस साइन ओमेगा, वी एम साइन ओमेगा टी के इक्वल होगी। ये करंट यहाँ से डायोड की तरफ फ्लो करेगा। जब डायोड की अक्रॉस करंट फ्लो करेगा तो उस टाइम पे डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा। जब पॉजिटिव साइकिल जीरो से स्टार्ट होगी उसी टाइम वर्क फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डायोड है तो डायोड क्या जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है थायरिस्टर्स के कंपेरिजन में, SCRs के कंपेरिजन में। तो करंट डायोड की तरफ जाएगा, यहाँ पर डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा और डायोड से ये करंट आउटपुट पे जाएगा। यहाँ पे आउटपुट पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट जो कि रेजिस्टर के साइड जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टर पे आउटपुट करंट फ्लो होगा क्योंकि यहाँ पे आउटपुट पे लोड पे रेजिस्टर लगा हुआ है। जीरो से पाई तक यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल, जीरो से पाई तक ये करंट फ्लो होता रहेगा रेजिस्टर के अक्रॉस। और जो भी लोड जिसे हम आउटपुट पे लोड लगा हुआ है, लोड पे हम जिसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करेगा। जो यहाँ पे आउटपुट करंट होगा वो इज इक्वल टू होगा वी एम अपॉन आर के। जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी पाई से टू पाई के बीच में तो सोर्स से सोर्स वोल्टेज नहीं चलेगी। उस टाइम सोर्स वोल्टेज अगर गई तो ना ही सोर्स करंट, कोई सोर्स करंट फ्लो नहीं होगा, ना कोई भी सोर्स करंट फ्लो नहीं होगा यहाँ से, ना ही प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस कोई करंट आएगा, ना ही सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस कोई करंट या वोल्टेज आएगी। उस टाइम पे जो सारी वोल्टेज होगी डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होगी और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो वी डी जो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होगी और डायोड के अक्रॉस पाई से टू पाई तक कंप्लीट नेगेटिव साइकिल डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगी और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है और आउटपुट पे भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा और लोड के क्रॉस भी कोई करंट नहीं आएगा। अगर हम इसकी वेवफॉर्म्स देखें, सोर्स वोल्टेज जो कि एसी की फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं जिनकी वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 टू पाई शो करती है, नेगेटिव पाई टू 2 पाई, अगेन पॉजिटिव 2 पाई से 3 पाई और अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल 3 पाई से 4 पाई तक शो होती है। और इसकी जो पीक है वो वी एम जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है Vm साइन ओमेगा टी के इक्वल होती है और जो नेगेटिव हाफ साइकिल होती है वो माइनस Vm, नेगेटिव में माइनस Vm साइन ओमेगा टी के इक्वल होती है। इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जीरो से पाई तक इनपुट पे ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब ओमेगा टी
इज इक्वल टू जीरो होगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो होगा, तो क्या होगा, डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और जहां तक पॉजिटिव साइकिल खत्म हो रही है पाई पॉइंट तक, यहां तक डायोड कंडक्ट करता रहेगा, सर्किट में से करंट फ्लो होता रहेगा, आउटपुट के अक्रॉस क्या होगा, जो लोड रेजिस्टर जुड़ा हुआ है उसके अक्रॉस भी करंट फ्लो होता रहेगा। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए आउटपुट इस टाइम पे जो आउटपुट करंट होगा, अगर हम आउटपुट करंट देखें वो आउटपुट वोल्टेज के इक्वल ही होगा, क्योंकि रेजिस्टर लोड है तो आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज के इक्वल ही होगा, जो कि Vm अपॉन R होगा, Vm अपॉन R के इक्वल होगा। और जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होगी, जब हमारे करंट फ्लो करेगा डायोड के अक्रॉस, तो डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। जब करंट फ्लो करता है तो डायोड के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती, लेकिन जब करंट फ्लो नहीं करता तब डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज होगी वो जीरो हो जाएगी, डायोड क्या करेगा, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करेगा और जो आउटपुट करंट है वो भी फिलहाल जीरो ही रहेगा। लेकिन इस टाइम पे जब डायोड वर्क नहीं कर रहा है तो सारी वोल्टेज ड्रॉप होगी, ये वाली पाई से टू पाई के बीच में सारी वोल्टेज डायोड के क्रॉस ड्रॉप होगी माइनस Vm, यानी ये सारी वोल्टेज डायोड के क्रॉस ड्रॉप होगी क्योंकि डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं होगा, जो कि माइनस Vm के इक्वल होगी। अगेन अनदर पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज वैसे ही प्रोड्यूस होगी, आउटपुट करंट भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन डायोड वोल्टेज जीरो हो जाएगी क्योंकि डायोड के क्रॉस करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में थ्री पाई से फोर पाई के बीच में अगेन जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज जीरो होगी, आउटपुट करंट भी जीरो होगा, और ये कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल में जो करंट होगा वो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होगा। इस तरह से हमारी वेवफॉर्म्स वर्क करती हैं। अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें तो जो Vs होता है वो साइन ओमेगा टी के इक्वल होता है। अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं सर्किट में तो इसकी जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगी, जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगी वो होगी 1/2π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π, 1/2π जो कंप्लीट साइकिल शो कर रही है, 0 to π पॉजिटिव हाफ साइकिल तक, 0 से पाई तक, Vm sin ओमेगा टी डॉट डी ओमेगा टी। अब ये किसके इक्वल होगा, Vm अपॉन 2π, यहाँ से कॉमन ले लिया, Vm अपॉन 2π, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, माइनस cos ओमेगा टी 0 to π, ये इज इक्वल टू है Vm अपॉन पाई के। अब जो RMS वैल्यू होगी आउटपुट वोल्टेज की वो कुछ इस तरह से होगी, VOR is equal to 1/2π integration of 0 to π V square M sin square omega t d omega t bracket close half इसकी power। अब इसको हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे formula थोड़ा open किया, VOR is equal to VM, यहाँ से common ले लिया, V square M Vm root of 2π integration of 0 to π 1 minus cos 2 omega t upon 2 d omega t half iski power, ye is equal to hota hai Vm upon 2 ke। Iski jo average value hoti hai load current ki wo hogi output current is equal to output voltage upon resistor। Output voltage hamare paas kya hai, Vm upon pi, यहाँ पे हमने Vm upon pi put कर दिया, और R ऐसे ही Vm upon pi R, ये हमारी एवरेज वैल्यू है लोड करंट की। अब यहाँ से हमने एवरेज वैल्यू करंट कैलकुलेट कर लिया आउटपुट वोल्टेज की, RMS वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आउटपुट वोल्टेज की, और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की है लोड करंट की। इस टाइम पे जो RMS वैल्यू होगी हमारी लोड करंट की
लोड करंट ही RMS वैल्यू, यहाँ से हमने एवरेज की थी, अब हम एवरेज करेंगे। IOR इज इक्वल टू VOR अपॉन RK, जो कि इज इक्वल टू होगी VM अपॉन 2RK, इसी के इक्वल होगी VOR यानी 2M अपॉन V। V2M अपॉन, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इसकी, 2VM अपॉन 2R। अब इसकी जो पीक वैल्यू होगी लोड और डायोड करंट की, वो होगी VM अपॉन आर के, और जो पावर डिलीवर होगी रजिस्टर लोड पे, वो इज इक्वल टू होगी RMS लोड वोल्टेज और RMS लोड करंट, यानी कि RMS लोड करंट और RMS लोड वोल्टेज, जो कि होगी VOR इंटू IOR। VOR है हमारे पास VM अपॉन 2 और IOR है हमारे पास VM अपॉन 2R, यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, हमारे पास आया है VM स्क्वायर V स्क्वायर M अपॉन 4R। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V स्क्वायर S अपॉन 2R, V स्क्वायर M है तो V स्क्वायर S फोर्स पुट कर सकते हैं यहाँ पे और इस अपॉन में 2R, ये इज इक्वल टू होगा I स्क्वायर OR कैपिटल R, यानी RMS वैल्यू ऑफ करंट का स्क्वायर और रेजिस्टर। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ये है हमारा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर लोड, रेजिस्टर लोड। थैंक यू।